तब वो उन हीरोइनों में से एक है जिन्होंने 50 प्लस होने के बावजूद भी शादी नहीं की, लेकिन उनका नाम बड़े से बड़े स्टार्स के साथ जुड़ा। उनकी लाइफ में उन्हें डेट करने वाले तो कई आए, कईयों के साथ वो रिलेशनशिप में भी रही, लेकिन इसके बावजूद वो प्यार के लिए जिंदगी भर तरसती रही। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तब्बू की जिंदगी में आने वाले पहले एक्टर संजय कपूर थे। फिल्म प्रेम के दौरान दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था, हालांकि दोनों का ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला और जल्द ही दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में संजय कपूर ने बताया था कि उस वक्त वो तब्बू को डेट कर रहे थे, लेकिन ब्रेकअप के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करनी छोड़ दी थी। संजय कपूर के बाद तब्बू का नाम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से भी जुड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साजिद उस समय अपनी पत्नी दिव्या भारती की मौत के गम से उभर रहे थे। कहा जाता है कि साजिद को पत्नी के गम से उभारने में तब्बू उनकी काफी मदद कर रही थी और इस दौरान दोनों काफी करीब आ गए। हालांकि तब्बू साजिद दोनों ही अपने रिश्ते को काफी दिनों तक छुपाए रखे और जब दोनों की सच्चाई सामने आई तो काफी देर हो चुकी थी। अफेयर की खबर सामने आने के कुछ दिन बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। साजिद के साथ ब्रेकअप के बाद तब्बू की जिंदगी में साउथ के दिग्गज अभिनेता नागार्जुन की एंट्री हुई। कहा जाता है कि नागार्जुन और तब्बू दोनों ने करीब 15 साल तक डेट किया था। रिपोर्ट्स की माने तो नागार्जुन संग अपने रिश्ते को लेकर तब्बू सीरियस थी, मगर इस रिश्ते की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि नागार्जुन पहले से शादीशुदा थे। इनका प्यार परवान तो चढ़ा था, लेकिन बाद में ये टूट गया क्योंकि तब्बू को समझ आ गया था कि उनके लिए तो नागार्जुन पहली पत्नी को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे में उनका पीछे हट जाना ही सही है। इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, तो वही नागार्जुन भी उन्हें शादी की श्योरिटी नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो पहले ही दो बार शादी कर चुके थे, तीसरी बार कमिटमेंट देने से बच रहे थे। ऐसे में उनकी लव स्टोरी अधूरी ही रह गई। खैर, तब्बू का कहना है कि वो बिना शादी के ही खुश हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।